हेलो गाइस, वेलकम टू रियल कार्पेक्स। एंड कैसे आप सब लोग? तो गाइस, आज हम आए हैं टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स के लॉन्च इवेंट में। अभी तक हमने हैरियर का ब्लैक एडिशन देख लिया, सफारी का ब्लैक एडिशन देख लिया, नेक्सॉन का ब्लैक एडिशन देख लिया। जो पेंडिंग बचा था वो सिर्फ ईवी में बचा था, एंड हेयर इज अवर ब्लैक ब्यूटी। तो आज आप देख सकते हो हमारी न्यू नेक्सॉन ईवी ब्लैक एडिशन। चेंजेस की बात करें तो पहले ईवी में जो ब्लू स्ट्रिप्स आती थी ग्रिल के पास, अब वो नहीं दिखेगी इस वेरिएंट में। आपको थोड़ा सा ब्लू एक्सेंट दिखाई देगा फॉग लैम्प के पास, अदरवाइज पूरा आपको फ्रंट ग्रिल ब्लैक कर दी गई है। तो मेजरली ब्लैक ही थीम है, तो पूरा ब्लैक ही में दिख रहा है सब कुछ। बाकी अलॉय में देखोगे तो थोड़ा ग्रेइश कलर है, प्रॉपर ब्लैक नहीं है। बॉडी अगर मैं आप कंपेयर करोगे तो ये थोड़ा ग्रे कलर है, इसको ब्लैक कर सकते थे, मुझे लग रहा है ब्लैक करते तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता। अदरवाइज ब्लैक एडिशन है तो कार पूरी ब्लैक कर दी गई है। जगह जगह पे थोड़ी थोड़ी जगह आपको ब्लू एक्सेंट में ईवी के साइंस दिखेंगे, बैजिंग दिखेगी जो इंडिकेट करेगी कि आप ईवी कार यूज़ कर रहे हो। अदरवाइज भाई ब्लैक का तो क्रेज़ देखो, सबको पता है ब्लैक का क्या क्रेज़ होता है। एंड अगर आप भी चाहते हो अपने कार कलेक्शन में एक ब्लैक कार ऐड करना तो आप इस वेरिएंट में जा सकते हो। अदरवाइज़ ब्लैक की मेंटेनेंस थोड़ी सी मुश्किल होती है, बट हाँ, जो ब्लैक कार लवर्स हैं उन लोगों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। और ब्लैक कार्स का क्रेज़ जो होता है यार, वो हमेशा से रहा है और आगे भी हमेशा ही रहेगा। और यही देखते हुए टाटा ने जो अपने ब्लैक एडिशन निकाले हैं, तभी कस्टमर इनकी तरफ जाते हैं। और जिसको ब्लैक कार लेनी है ना यार, वो ब्लैक कलर ही लेगा, चाहे आप जितना मर्जी उसके प्राइस बढ़ा लो। अभी फ़िलहाल प्राइसिंग की बात करूँ तो 50,000 का डिफरेंस है। अगर आप मैक्स का टॉप वेरिएंट अगर आप देखते हो और ब्लैक एडिशन पे अगर आप जाते हो, तो इन दोनों के बीच में 50,000 का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो ब्लैक एडिशन के लिए आपको 50,000 ज़्यादा देने पड़ेंगे। और इन 50,000 में आपको मिलता क्या है? मेजरली जो अपडेट करी गई है, कार का एक्सटीरियर ऑलमोस्ट सेम है। जो मेजर अपडेट करी गई है वो कार के अंदर की गई है। इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड अपडेट है, जो कि आप पहले आपको सफारी हैरियर में देखने को मिलता था, वही इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको इस ईवी मैक्स में देखने को मिलेगा। बट वो जो सिस्टम है वो सिर्फ इसके ब्लैक एडिशन में ही देखने को मिलेगा। नॉर्मल वेरिएंट में अगर आप जाओगे तो उसमें आपको वो अपडेट देखने को नहीं मिलेगी। अब मैं दिखाता हूँ आपको मैं किस अपडेट की बात कर रहा था। तो अब जो आप इस कार में देखोगे, अब देखोगे इस कार में न्यूली अपडेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम 10.2 इंच का, जो कि आपको हैरियर में मिलता था, सफारी में मिलता था, और अब फाइनली ईवी नेक्सॉन में भी आपको मिलेगा। इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको वायरलेस एप्पल एंड्रॉयड ऑटो कारप्ले का सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा ये इंफोटेनमेंट सिस्टम मल्टीपल लैंग्वेज भी सपोर्ट करता है। एंड आपको जो पिक्चर क्वालिटी इसमें मिलेगी वो HD मिलेगी। रियर कैमरे की क्वालिटी की अगर बात करूँ तो वो भी HD में दिया गया है। एंड इसके अलावा जो यार आप पहले जो लैग फील करते थे पहले के इंफोटेनमेंट सिस्टम में, वो अब इसमें बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल फ्लॉलेस है, बिल्कुल स्मूथ है। इसका टच रिस्पॉन्स भी काफ़ी बढ़िया है, एंड बिल्कुल भी लैग आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। बट ये चीज़ का ध्यान रखना है यार, ये जो अपडेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये आपको सिर्फ डार्क एडिशन में देखने को मिलेगा। आप नेक्सॉन ईवी मैक्स के जो बाकी के वेरिएंट्स हैं आपको उसमें ये स्क्रीन देखने को नहीं मिलेगी। सो सिर्फ ये जो अपडेट है ये सिर्फ डार्क एडिशन के लिए आया है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो सनरूफ आपको इस वेरिएंट में मिल जाता है, एंड और बाकी कोई चेंजेस कार में नहीं किए गए हैं। जो मेजर अपडेट थी वो सिर्फ स्क्रीन से रिलेटेड थी। बाकी लेदराइट सीट्स आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं इस मॉडल पे, और वो आपको नॉर्मल ईवी मैक्स के मॉडल में मिलती है। साथ ही साथ ये ब्लू स्ट्रिप्स आप जो देख रहे हो इसी वेन पे आपको बता रही है ईवी कार में बैठे हो, एग्जैक्टली सेम चीज़ें रखी गई हैं, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। जो मेन अपडेट आई है वो सिर्फ इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड आई है, अदरवाइज बाकी कार सेम है। सो अगर आप भी टाटा नेक्सॉन के ब्लैक एडिशन का वेट कर रहे थे एंड आप अभी ये वेट एडिशन लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। अदरवाइज मेरी मानो तो यार थोड़ा वेट करो, सितंबर अक्टूबर में फेसलिफ्ट आने वाला है नेक्सॉन का, एंड मोस्ट प्रोबेबली वो फेसलिफ्ट ईवी में भी आएगा, एंड हो सकता है कुछ और चेंजेस भी मिल जाएं आपको। अदरवाइज अगर आप वेट नहीं कर सकते, अगर आपको अभी कार लेनी है तो आप ये आके ले सकते हो। ब्लैक एडिशन में कार ऑलरेडी आ चुकी है एंड बुकिंग भी स्टार्ट हो चुकी है इसकी, तो आप अगर आपको लेनी है तो आप आ सकते हो RI मोटर्स गुड़गांव में, और यहाँ पे आके अपनी बुकिंग करा सकते हो। अदरवाइज़ कार देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। ब्लैक का वैसे भी एक अलग ही क्रेज़ होता है, तो काफ़ी अच्छी कार है। काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर्स आ रखे हैं, काफ़ी अच्छा इवेंट चल रहा है। एंड बाकी यार इस वीडियो में तो इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो, और अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल। ऐसे ही एंटरटेनिंग एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम इस चैनल में आपके लिए लाते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।